Hello everyone. Today's topic is evaluation. Evaluation के बारे में पढ़ेंगे. सबसे पहले CET का टॉपिक है ये, और इसके बारे में हम मेनली जो एग्जाम्स में जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जिन टॉपिक्स पे मेनली, आज हम उसी पे फोकस करके और इस टॉपिक को पढ़ाएंगे. तो सबसे पहले इवेल्युएशन क्या होता है. इवेल्युएशन जो होता है, अपन जनरली क्या समझते हैं इवेल्युएशन के, इवेल्युएशन से कि हमने जो वर्क किया या हम जो वर्क कर रहे हैं उसके बाद हमें फीडबैक क्या मिल रहा है. तो जो फीडबैक जो मिल रहा है वो अपन को उसको अपन असेस कर रहे हैं, या जो फीडबैक मिल रहा है उसको पता कर रहे हैं क्या फीडबैक मिल रहा है. तो उसे हम लोकल लैंग्वेज में हम ऐसे समझ सकते हैं, उससे हम इवेल्युएशन कहेंगे. इवेल्युएशन की जो बुक के अकॉर्डिंग डेफिनेशन दे रखी है वो है, इवेल्युएशन इज अ प्रोसेस ऑफ डिटरमाइनिंग टू व्हाट एक्सटेंट द एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव आर बीइंग रियलाइज्ड. मतलब हमें एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या प्राप्त हो रहे हैं इवेल्युएशन से, उसको अपन नोट करेंगे. तो या फिर हम दूसरे शब्दों में कहेंगे कि इवेल्युएशन इज द प्रोसेस ऑफ डिटरमाइनिंग द एक्सटेंट ऑफ विच ऑब्जेक्टिव इज बीइंग अचीव. हमें जो ऑब्जेक्टिव है वो अचीव हो रहे हैं उसे अपन इवेल्युएशन. या फिर जो द इफेक्टिवनेस ऑफ लर्निंग एक्सपीरियंस प्रोवाइडेड बाय द क्लासरूम. क्लासरूम के अंदर अगर कोई टीचर पढ़ा रहा है, लर्न करवा रहा है किसी चीज़ को, तो हमें जो लर्न हो रहा है उसकी इफेक्टिवनेस कितनी आ रही है, स्टूडेंट्स कितने एक्टिवली पार्टिसिपेट कर पा रहे हैं उसके अंदर, और कितना इफेक्ट पड़ रहा है उस लर्निंग का क्लासरूम के बच्चों पर, तो वो सारे भी इवेल्युएशन के अंदर हम काउंट करेंगे. और या फिर हमने जो गोल डिसाइड किया है वो हमें कितना अचीव हुआ है. ये जैसे मान लो कि हमने आज ये टॉपिक पढ़ाना स्टार्ट किया है क्लास के अंदर, और इसको हमने क्लासरूम में समझाया है स्टूडेंट्स को. स्टूडेंट्स को समझाने के बाद उनके क्वेश्चनिंग हुई, क्वेश्चंस पूछे गए, उसके बाद उनकी क्यूरीज पूछी, उन्होंने क्यूरीज पूछी, क्वेश्चंस पूछे, डिस्कशन किया. डिस्कशन करने के बाद हमें जो फीडबैक प्राप्त हुआ उससे हमें पता लग जाता है, उससे हमें असेस हो जाता है कि किसका कितना किस स्टूडेंट को समझ में आया है. तो हमें इवेल्युएट हो जाता है उस चीज़ के बारे में. वैसे ही हम नर्सिंग प्रोफेशन के अंदर, जैसे कि हम किसी क्लाइंट को अटेंड कर रहे हैं, या किसी क्लाइंट आया उसको उसकी कोई सर्जरी है या ड्रेसिंग है, ये सब किया हमने. उसके बाद करने के बाद हम उसको प्रॉपरली टाइम टू टाइम मेडिसिन दे रहे हैं, टाइम टू टाइम उसकी केयर कर रहे हैं. तो उसके बाद हमें इवेल्युएट हो रहा है कि उसके अंदर कितना इम्प्रूवमेंट है. वो कैसे इवेल्युएट होगा, उसके टेस्ट रिजल्ट से, उसके बिहेवियर से, और उसकी खुद के ऑब्जेक्टिव से. मतलब वो खुद हमें बताएगा कि वो ठीक है या नहीं, या हम खुद इवेल्युएट करेंगे उस चीज़ को, उसकी रिपोर्ट्स देखेंगे. ये सब चीज़ें हमें इवेल्युएट करवाती हैं. तो इवेल्युएशन की डेफिनेशन यहाँ पर ख़त्म होती है इसके बारे में. और नेक्स्ट जो टॉपिक आता है वो आता है टाइप्स ऑफ इवेल्युएशन या असेसमेंट. टाइप्स ऑफ इवेल्युएशन या असेसमेंट दो टाइप का होता है. सबसे पहला आएगा फॉर्मेटिव असेसमेंट और दूसरा आएगा सुमेटिव असेसमेंट. फॉर्मेटिव असेसमेंट एंड सुमेटिव असेसमेंट, ठीक है. फॉर्मेटिव असेसमेंट जो होता है इसके अंदर क्या होता है कि स्टूडेंट की प्रोग्रेस का पता किया जाता है, कि स्टूडेंट ने क्या अचीव कर रहा है वो स्टडी के दौरान, क्या क्या अचीवमेंट कर रहा है वो, क्या क्या प्रोग्रेस कर रहा है वो. और जो सुमेटिव जो होता है उसके अंदर क्या होता है कि जो फाइनल असेसमेंट होता है, जैसे कि मान लो हमारा फाइनल एग्जाम्स चल रहा है, पूरे साल हमने जो किया वो पता उसका उसके बारे में नहीं, बल्कि जो फाइनल एग्जाम हुआ है उसके बाद में हमारा क्या रिजल्ट रहा, क्या हमने अचीव किया, तो वो फाइनल असेसमेंट जो होता है वो सुमेटिव असेसमेंट होता है. और फॉर्मेटिव असेसमेंट मतलब क्लासरूम के बीच बीच में जैसे स्टडी चल रही है, पूरे साल हमने जो स्टडी की है उसके बीच में जो टेस्ट सीरीज हुई है, जो हाफ ईयरली एग्जाम्स होते हैं बच्चों के, या जो भी होता है उसके अंदर क्या क्या बच्चे में अचीवमेंट प्राप्त किए हैं, उसमें क्या क्या इम्प्रूवमेंट हुआ है, ये आता है फॉर्मेटिव असेसमेंट के अंदर. अब जो नेक्स्ट फॉर्मेटिव असेसमेंट होता है उसकी पर्पज क्या है, उसको हम क्यों करते हैं, तो ये क्या करता है, स्टूडेंट की प्रोग्रेस को मॉनिटर करेगा और प्रोवाइड करेगा फीडबैक बच्चे की इम्प्रूवमेंट का और इंस्ट्रक्शंस या प्रोग्रेस का पता कर सकते हैं, उसको इंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, ये इसका मेन पर्पज होता है. सुमेटिव में क्या होगा, फाइनली असाइन ग्रेड टू पास, मतलब वो पास के जो ग्रेड्स होते हैं वो फाइनली असाइन करते हैं अपन, और पर्टिकुलर एजुकेशनल मॉडल का प्रोग्राम है वो तैयार होता है,
कि स्टूडेंट उसमें पास हुआ है या फेल हुआ है, उस दौरान उसके अकॉर्डिंग ही हमें क्या होता है कि पर्टिकुलर जो एजुकेशनल मॉड्यूल होता है उसके प्रोग्राम का पता लगता है कि स्टूडेंट ने कितना अचीव किया है। नेक्स्ट जो आता है वो ये था सुमेटिव असेसमेंट का पर्पस। उसके बाद आता है फॉर्मेटिव असेसमेंट की फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी क्या होती है, कैरिड आउट क्वाइट फ्रीक्वेंटली रिजाइनिंग फ्रॉम डेली टू वीकली वाइल इंस्ट्रक्शन आर इन प्रोग्रेस। डेली टू वीकली हम उसको इंस्ट्रक्ट करेंगे, उसकी प्रोग्रेस को देखेंगे, ये तो उसकी फ्रीक्वेंसी होगी, बार बार उसको चेक करते रहेंगे। और सुमेटिव के अंदर क्या होगा, सुमेटिव असेसमेंट की फ्रीक्वेंसी जो होगी वो होगी उसके अंदर मंथली या बाई मैनुअली या एनुअली, बाई एनुअली या एनुअली मतलब हाफ ईयरली या एनुअली या फिर मंथली हम उसकी प्रोग्रेस को चेक करेंगे सेमेस्टर या कोर्स प्रोग्राम के थ्रू। तो उसके बाद आता है कि फॉर्मेटिव असेसमेंट की कंटेंट क्या होंगे, कंटेंट या फोकस क्या होगा, डायलेटेड फोकस ऑन कंटेंट होगा, डिटेल्ड फोकस ऑन कंटेंट होगा, कंटेंट के ऊपर डिटेलली फोकस करेंगे। और इसके अंदर क्या होगा, सुमेटिव असेसमेंट के अंदर वो आएगा जनरल एंड ब्रॉड कंटेंट स्कोप, जनरली और जो ब्रॉड कंटेंट होगा स्कोप का उसके ऊपर अपन फोकस करेंगे। नेक्स्ट आएगा फॉर्मेटिव असेसमेंट का मैथड, मैथड आएगा इसके अंदर क्या होगा, इंक्लूड होगी क्लासरूम की क्वेश्चनिंग, डेली असाइनमेंट्स जितने भी होंगे, रेगुलर फॉर्मल या इनफॉर्मल ऑब्जर्वेशन या क्लास टेस्ट या इंटरनल असेसमेंट। तो मेथड्स के अंदर क्या होगा, अगर क्लासरूम के अंदर इंटरनल असेसमेंट हो रहा है या फिर कोई भी क्लासरूम के अंदर क्वेश्चनिंग हो रही है, टेस्ट सीरीज हो रही है, तो उसके द्वारा बच्चे ने क्या अचीव किया है वो मेथड होता है फॉर्मेटिव असेसमेंट का पता करने के लिए, ठीक है। और सुमेटिव असेसमेंट क्या होगा कि इसके अंदर क्या होगा, इवैल्यूएशन होगा टर्म एग्जामिनेशन के द्वारा या फाइनल एग्जामिनेशन के द्वारा ही हम बच्चे के अचीवमेंट को पता करते हैं। तो ये तो हुआ इसके टाइम। नेक्स्ट पॉइंट आता है फॉर्दर इसके पर्पस ऑफ इवैल्यूएशन। पर्पस ऑफ इवैल्यूएशन के अंदर क्या रहेगा कि ये सबसे पहले ये प्रोवाइड करती है शॉर्ट टर्म गोल्स को, गोल्स जो होते हैं वो शॉर्ट टर्म गोल्स को प्रोवाइड करेगी स्टूडेंट के अंदर टुवार्ड्स द अचीवमेंट ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव, एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव के अचीवमेंट को प्राप्त करेगी। दूसरा आएगा टू क्लैरिफाई द इंटेंडेड लर्निंग आउटकम, ये क्लैरिफाई करेगी इंटेंडेड लर्निंग आउटकम को। उसके बाद क्या करेगी, डिटरमाइन द लेवल ऑफ नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग इन स्टूडेंट, इसके अंदर ये डिटरमाइन भी करेगी नॉलेज को और अंडरस्टैंड करेगी स्टूडेंट को। नेक्स्ट आएगा इसका जो जो काम होता है, पर्पस जो होता है असेसमेंट या इवैल्यूएशन का, कि बच्चे को क्या करता है, ये एनकरेज करता है स्टूडेंट को अचीवमेंट के लिए और सक्सेस के लिए। नेक्स्ट इसका जो पॉइंट आता है कि वो इंफॉर्मेशन होती है वो स्टूडेंट को लर्न करवाता है, डिफ़िकल्टी एंड सेलेक्टिंग फ्यूचर लर्निंग एक्सपीरियंसेस, फ्यूचर लर्निंग एक्सपीरियंसेस के अंदर उसको बहुत सारी डिफ़िकल्टीज होती हैं, तो उसको अचीव करने के लिए, उसको ओवरकम करने के लिए उसको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवाता है, ये भी इसका वर्क होता है। ये स्टूडेंट की हेल्प करती है, एक्वायर करती है स्किल, एटीट्यूड एंड सेल्फ इवैल्यूएशन के बारे में। नेक्स्ट जो आएगा कि स्टूडेंट की प्रोग्रेस को थ्रू आउट द ईयर, पूरे ईयर के अंदर स्टूडेंट की प्रोग्रेस को नोट करेगी। और इसके बाद जो अगला पॉइंट आता है वो आता है कि ये क्या करेगी, डिटरमाइन टू इम्प्रूव क्यूरिकुलम इन लाइट फॉर रिसेंट एडवांसेस, सेटिस्फाई द यूनिवर्सिटी रिक्वायरमेंट फॉर अ क्यूरिकुलम, यूनिवर्सिटी की जो रिक्वायरमेंट होती है उसको सेटिस्फाई करना पड़ेगा, ये इसका पर्पज भी होता है। और रिपोर्ट करेगी स्टूडेंट की प्रोग्रेस को उसके पेरेंट्स को, ताकि पेरेंट्स को पता चल सके कि स्टूडेंट ने क्या अचीव किया है। टू प्रिवेंट सोसाइटी फ्रॉम क्वैक एंड इम्पोर्टेंट प्रोफेशनल बाई ब्लॉकिंग देम फ्रॉम गेटिंग डिग्रीज या डिप्लोमा, जो डिग्रीज या डिप्लोमा जो होता है वो प्राप्त करती है प्रोफेशनल जो कोर्स होता है उसको, और वो अचीव करती है। इवैल्यूएशन इज कैरिड आउट फॉर जनरल एंड एजुकेशनल रिसर्च, इवैल्यूएशन होगा वो जनरल और एजुकेशनल रिसर्च के लिए कैरिड आउट होगा। नेक्स्ट जो अगला जो पॉइंट आता है वो आता है स्कोप ऑफ इवैल्यूएशन। स्कोप ऑफ इवैल्यूएशन में सबसे पहला पॉइंट आता है सिलेक्शन ऑफ स्टूडेंट, सबसे पहले स्टूडेंट का सिलेक्शन करेंगे। दूसरा आएगा डिस्कशन फॉर सक्सेसर, सक्सेसर का डिस्कशन करेंगे। सर्टिफिकेशन ऑफ कॉम्पिटेंसी। नेक्स्ट आएगा मोटिवेशन ऑफ लर्निंग एक्टिविटीज। नेक्स्ट इंसेंटिव टू लर्निंग। अगला आएगा फीडबैक टू टीचर।
और फीडबैक टू स्टूडेंट या अपने स्कूल। अब इसके बारे में हम इन डिटेल के बारे में जान लेते हैं कि सबसे पहले सिलेक्शन ऑफ स्टूडेंट के बारे में क्या है कि स्टूडेंट को सिलेक्ट करेंगे फर्स्ट एंड फॉरमेस्ट स्कूल टू असेसमेंट बिकॉज द राइट स्टूडेंट इन द राइट एजुकेशन प्रोग्राम आर एसेंशियल फॉर द अल्टीमेट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ कंट्री। क्योंकि ये कहना है कि राइट स्टूडेंट और जो राइट जो फॉर्मेट होता है या राइट स्टूडेंट होता है और राइट एजुकेशन जो होती है वो ग्रोथ और अल्टीमेट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट करती है कंट्री का। दिस कैन बी इंश्योर्ड थ्रू द मीन्स ऑफ असेसमेंट फॉर स्टूडेंट सिलेक्शन। इसलिए स्टूडेंट का सिलेक्शन किया जाता है। फीडबैक टू स्टूडेंट सेकेंड जो पॉइंट आता है वो आता है फीडबैक टू स्टूडेंट। फीडबैक टू स्टूडेंट के बारे में क्या कहेंगे कि ये नेसेसरी होता है एफिशिएंट रेमिडियल मेजर इन टाइम। ठीक है, टाइम के साथ इनको मेजर करेंगे। इसमें कि असेसमेंट क्या होगा है वो वाइड स्कोप टू ऑफर टाइमली फीडबैक टू स्टूडेंट दैट दे इम्प्रूव द एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव मे बी अचीव। फीडबैक का मतलब मैं आपको अभी समझा चुकी हूँ। फीडबैक का मतलब क्या होता है कि स्टूडेंट ने क्या अचीव किया है वो हमें बताता है, जब उसके थ्रू हमें पता लगता है तो वो होता है फीडबैक ऑफ फीडबैक टू स्टूडेंट। उसके बाद फीडबैक टू टीचर्स असेसमेंट डज ऑफर फीडबैक टू टीचर्स। असेसमेंट के थ्रू टीचर्स का टीचर्स को फीडबैक मिलता है अबाउट द स्टूडेंट प्रोग्रेस स्टूडेंट प्रोग्रेस के बारे में एंड द प्लान ऑफ इम्प्लीमेंट करेक्टिव मेजर। और उनको असेस होता है, उनको पता लगता है कि बच्चे ने क्या अचीव किया है क्या नहीं किया है, कहाँ तक अचीवमेंट की ज़रूरत है, इन सब के बारे में वो पता लगाते हैं और उसके बाद प्लान करते हैं और इम्प्लीमेंट करते हैं करेक्टिव मेजर को टू सपोर्ट द स्टूडेंट इन अचीविंग द एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए। नेक्स्ट आएगा वो आएगा इंसेंटिव टू लर्निंग। इंसेंटिव टू लर्निंग के अंदर क्या होगा, इंसेंटिव टू लर्निंग वाले टॉपिक में होगा स्टूडेंट फील द इंसेंटिव टू लर्निंग व्हेन दे आर असेस्ड एंड फीडबैक टू गिवन टू देम। जब वो फीडबैक देते हैं तब उनको इंसेंटिव लर्निंग के बारे में पता लगता है। दे गेट अ फीलिंग टू इंसेंटिव दैट रिड्यूस बर्डन इन द रूटीन मोनोटोनस टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। ठीक है, उसके बाद जो आएगा नेक्स्ट जो पॉइंट आएगा वो आएगा मोटिवेशन ऑफ लर्निंग एक्टिविटीज। मोटिवेशन ऑफ लर्निंग एक्टिविटीज़ के बारे में हम पढ़ेंगे कि द टीचिंग लर्निंग एक्टिविटीज़ डू नॉट रिमेन इंटरेस्टिंग विदाउट असेसमेंट एंड इवेल्युएशन। बिना असेसमेंट और इवेल्युएशन के जो इंटरेस्टिंग नहीं होती टीचिंग लर्निंग प्रोसेस जो होता है वो बिना असेसमेंट के बिना फीडबैक के बिना इवेल्युएशन के इंटरेस्टिंग नहीं लगती है। देयरफॉर द शेड्यूल असेसमेंट प्रोसेस आर रिक्वायर्ड फॉर मोटिवेटिंग स्टूडेंट। इसका मेन ही मेन ये होता है कि मोटिवेट करना स्टूडेंट को ताकि वो अच्छा फीडबैक दे सके, ज़्यादा से ज़्यादा फीडबैक दे सके, क्वेश्चनिंग कर सके, इंटरेस्ट ले सके। ये आता है मोटिवेशन ऑफ लर्निंग एक्टिविटीज़ के अंदर। उसके बाद आएगा सर्टिफिकेट्स ऑफ कॉम्पिटेंस। सर्टिफिकेशन ऑफ कॉम्पिटेंस के अंदर हम पढ़ेंगे कि स्टूडेंट असेसमेंट इज़ वन ऑफ द प्रिंसिपल प्रीरिक्विजिट टू सर्टिफाई द कॉम्पिटेंस ऑफ नॉलेज इन अ पर्टिकुलर एस्पेक्ट ऑफ क्यूरिकुलम। नेक्स्ट आएगा डिसीजन फॉर सक्सेस और फेलियर। सक्सेस और फेलियर का डिसीजन होगा असेसमेंट ऑफर द एबिलिटी टू डिसाइड द अल्टीमेट सक्सेस। स्टूडेंट का जो अचीवमेंट होता है स्टूडेंट की जो फीडबैक होता है उससे हमें पता लगता है कि वो फेलियर या फिर सक्सेस कौन से डिसीजन पे हमें पहुंचना चाहिए। ये इसका मेन मोटो है या ये इसका मेन मीन है। तो अचीवमेंट इज प्री प्लान एजुकेशन ऑब्जेक्टिव। इससे कि क्या होता है अचीवमेंट जो होता है एक प्रॉपरली प्री प्लान एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव है जिससे कि हमें फेलियर और सक्सेस के बारे में पता लगता है। ये होता है स्कोप ऑफ असेसमेंट। ये जो मेनली जो इवेल्युएशन होता है इसके अंदर यही क्वेश्चन जनरली पूछे जाते हैं। इवेल्युएशन की डेफिनेशन, उसके बाद उसके टाइप्स के बारे में टाइप्स डिटेल्स या इसमें डिफरेंस फॉर्मेटिव एंड सुमेटिव के अंदर। लेट्स से द पर्पस ऑफ इवेल्युएशन